हेलो, चलिए तो जानते हैं कि जो हमारी आदतें होती है इनको हम अंग्रेजी जबान में क्या कहते हैं और किस तरीके से ये जो आदतें होती है अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि जो आदतें होते हैं इस लफ्ज का जो मानी होता है अंग्रेजी जबान में वो होता हैबिट यानी आदत। और जब हम बोलते हैं आदतें तो इसका माने होता हैबिट्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हैबिट्स किस तरीके से अलग अलग हो सकती है। हैबिट यानी क्या? ऐसे काम जो हम रोजाना करते हैं या मखसूस वक्फे के बाद करते हैं, जैसे कि हम रोज रात को सोते हैं तो ये तो हमारी सोना जरूरत है, मगर कितने बजे सोते हैं ये हमारी आदत में आता है। जैसे कि मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ, तो मेरी आदत क्या है, मेरी हैबिट क्या है कि मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ, ये मेरी आदत है। फिर उसके बाद में आता है हम सुबह उठकर नहाते हैं। अब सुबह उठना जरूरत है, मगर सुबह कितने बजे उठते हैं वो एक आदत है कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, ये मेरी आदत है यानी हैबिट। तो जो हमारी आदतें होती हैं वो अच्छी और बुरी होती है। जैसे कि रोज सुबह उठकर मैं ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, ये जो है मेरी अच्छी आदतें हैं। अगर जैसे कि मुझे एक शौक है या फिर एक आदत है बाहर का खाना खाने की, यानी तला हुआ, सड़ा हुआ, ऐसी चीज़ें जिनमें मक्खियाँ बैठती हैं, ऐसे खाने, ऐसे नाश्ते की चीज़ें मैं खाता हूँ, तो ये जो है बुरी आदत है और मैं रोज़ खाता हूँ। अब मैं रोज़ खा रहा हूँ यानी, तो ये क्या हुआ, ये मेरी हैबिट बन चुकी है, इसे हम बोलेंगे बुरी आदतें यानी बैड हैबिट्स। और ऐसी आदतें यानी ऐसी हैबिट्स जो अच्छी होती है जिसमें हम अच्छे काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं गुड हैबिट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी और बुरी आदत में फर्क समझ गए होंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम कौन कौन सी जो अच्छी आदतें हैं रोजाना कर सकते हैं और इनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं।